डोकलाम में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, डोकलाम को लेकर जो तस्वीरें सैटेलाइट से सामने आई हैं, क्या इस बारे में मोदी सरकार को जानकारी है। फिल्म पद्मावत के रिलीज पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, जब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है तो इस फिल्म को रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करणी सेना ने कहा कि भले ही फिल्म से रोक हट गई हो, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक उनसे पूछ कर ही फिल्म चलाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 28 फरवरी जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 3 मार्च को होगा। ICC अवार्ड्स में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और T20 में कप्तान ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर विराट कोहली ने कहा, मेरे लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बहुत मायने रखती है।